नमस्कार जी, मैं हूँ प्रियंका और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच द फैक्ट टाइम में। आपका स्वागत करती हूँ और हमारे साथ हमारी जो मुहिम है लगातार हम उसमें जुटे हुए हैं। मैं नहीं, हमारी पूरी द फैक्ट आई की टीम इस वक्त डेरा सच्चा सौदा में पहुंची हुई है। तो आइए लोगों के विचारों को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त है एक यूथ। हाँ जी नमस्कार, आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका क्या करती हैं आप? प्लस टू। ये बताइए कि आज समाज को बाबा जी की ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे उन्होंने काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने बहुत नशा छुड़वाया, बहुत काम मानवता भलाई के काम भी किए थे, पर आज वो जा चुके हैं तो बहुत ही ज़्यादा नशा फैल चुका है। अब उसको जब वो आएंगे वो तभी बंद होगा, उससे पहले ये बंद नहीं हो सकता। बाबा जी ने समाज के लिए या बेटियों के लिए क्या कुछ किया? उन्होंने समाज के लिए तो इतने काम किए कि आज तक किसी ने भी नहीं किए। और समाज और बेटियों के लिए वो तो कहना जितना कहें उनके बारे में उतना ही बहुत 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 ज़्यादा कम है। आज कितना विश्वास है? आज हमें उनसे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा हमें उन पर ज़्यादा विश्वास है। अपने पेरेंट्स में भी इतना विश्वास नहीं है। डेरे में जाते हो आप? हाँ जी, हर संडे हम डेरे में आते। कभी डर नहीं लगता इतना कुछ मीडिया में दिखाया गया फिर भी डेरे में आ रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी फैमिली कहती है कि हम जाएंगे ना जाए आप डेरे जरूर जाओ, डेली जाओ डेरे। आगे वाले समय में भी आपका ये विश्वास बना रहेगा? हाँ जी, हमारा विश्वास डेरे से है, डेरे से था और डेरे से ही रहेगा। ये बताइए आज कोई सरकार से अपील करना चाहेंगी? हम तो गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि वो निर्दोष है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ यूथ नौजवान, बने रहिए आप भी द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।